हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज हमारी इंटरव्यू सीरीज़ की आठवीं वीडियो होने वाली है। जावा 8 के अंदर जब भी कभी तुम इंटरव्यू दोगे और अपने रिज्यूमे में लिखा होगा तुम्हारे कि जावा 8, तो बंदा जरूर पूछ सकता है कि जावा 8 में जो डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड आया था उसकी नीड क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बंदा ज़रूर पूछ सकता है। ठीक है, अब लेट सपोज यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देखने वाले हैं, एक एग्जांपल देखने वाले हैं, जिससे हम लोगों को ये पता पड़ेगा कि डिफ़ॉल्ट मेथड की नीड क्या है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट मेथड अगर ना होता तो कितनी प्रॉब्लम होती। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पर एक एग्जांपल लो और तुम ये देखो कि यहाँ पर तुम्हारे पास टोटल अभी के लिए फ़िलहाल इस इंजन मेथड को भूल जाओ। ठीक है, ये सोचो कि एक इंटरफेस है कार फैक्ट्री और उसके अंदर तुम्हारे पास दो मेथड हैं, एयर बैग्स और टायर। ठीक है, उसके बाद एक मारुति क्लास आती है, वो इम्प्लीमेंट कर लेती है कार फैक्ट्री को। ठीक है, तो जब वो कार फैक्ट्री को इम्प्लीमेंट करती है तो वो इन दोनों मेथड्स को, एयरबैग्स और टायर को इम्प्लीमेंट करके उसकी बॉडी प्रोवाइड करा देती है। सेम उसी तरीके से कल को एक और क्लास आती है BMW, वो भी एयरबैग्स और टायर को इम्प्लीमेंट करके दोनों की बॉडी प्रोवाइड करा देती है। ठीक है, यहाँ तक सब सही है। अब इन फ्यूचर अगर लेट सपोज कल को हम इस कार फैक्ट्री, ये जो हमारा इंटरफेस है, इसके अंदर अगर हम कोई एक नया मेथड इंट्रोड्यूस करते हैं, नया मेथड हमारा कौन सा है, ये वाला इंजन, अगर कल को हम नया मेथड इंट्रोड्यूस करते हैं तो इस कार फैक्ट्री की जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन क्लास होंगी, लेट सपोज जैसे ये है, लेट सपोज जैसे ये है, और इसी तरीके से जितनी भी एन नंबर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्लासेज होंगी, उन सबको ये इंजन मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ जाएगा। ये उनकी मजबूरी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये रूल होता है कि इंटरफेस के अंदर जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस को, वो सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ठीक है, ये हमारी इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस थी मारुति और BMW। तो अगर कल को तुम इस इंटरफेस कार फैक्ट्री के अंदर कोई एक मेथड इंट्रोड्यूस कर देते हो तो मजबूरी में सबको, अगर नहीं भी चाहिए है वो मेथड, तब भी सबको वो इम्प्लीमेंट करना पड़ जाता है। इसी वजह से तुम देख सकते हो यहाँ पर जो है रेड कलर की एरर भी आ रही है तुम्हारी इस क्लासेस के ऊपर, ये देखो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंजन मेथड लगा हुआ है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम लोग ने दी नहीं है। तो ये प्रॉब्लम होती है नॉर्मल इंटरफेस में, जब हमारे जावा 7 तक की बात करें। अब जब जावा 8 में हमारे पास डिफ़ॉल्ट मेथड आता है तो देखो कैसे चीज़ें क्या होती हैं। इमेजिन करो अभी के लिए कि हमारे पास ये इंजन मेथड यहाँ पर नहीं है। ठीक है, और वही पूरा सेम सिनेरियो है लेट सपोज। ठीक है, अब इन फ्यूचर कल को अगर इंजन मेथड आ जाता है, मान लो डिफ़ॉल्ट मेथड जो है, डिफ़ॉल्ट इंजन मेथड आ जाता है, ठीक है, तो अब मारुति को भाई इंजन मेथड नहीं चाहिए, तो उसने देखो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं दी है। मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर कार फैक्ट्री इंटरफेस के अंदर कोई एक नया मेथड इंट्रोड्यूस हो जाता है तो सारी की सारी इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस को इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और BMW को अपना इंजन मेथड जो है इम्प्लीमेंट करना था, उसको क्या देना था इंजन मेथड, स्ट्रॉन्ग इंजन प्रोवाइड कराना था, तो उसने जो है ओवरराइड कर लिया। मारुति जो था वो उसी इंजन में खुश था जो कार फैक्ट्री दे रहा है। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट मेथड जो होते हैं वो तुम्हारे चाइल्ड क्लासेस के पास अवेलेबल होते हैं, एक्सटेंड कर सकते हो तुम। मतलब ये इंजन मेथड जो है भी नॉर्मल वाला, ये तुम्हारी मारुति क्लास के पास है। ठीक है, तो अब तुम जो है यहाँ पर, अब तुमने उसको ओवरराइड नहीं करा, तो इससे हम लोगों को ये समझ में आता है कि डिफ़ॉल्ट मेथड जो होता है तुम्हारा इंटरफेस का, जो कि जावा 8 में इंट्रोड्यूस हुआ है, वो एक काइंड ऑफ तुम्हें फिजिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। इसको हम लोग बोलेंगे काइंड ऑफ लूज बॉन्डिंग। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर इंटरफेस के अंदर तुमने कोई भी एक मेथड अगर डाल दिया, जैसे कि यहाँ पर था ये, अगर डाल दी हमने तो सारी की सारी इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर कल को हमने ये नया मेथड एक इंट्रोड्यूस कर दिया हमने, मान लो लेट सपोज, तो अब अगर किसी को ये मेथड से, इम्प्लीमेंटेशन से वो खुश नहीं है, तो वो अपनी इम्प्लीमेंटेशन देखो यहाँ पर चेंज कर सकता है, जैसे इसने करी है। और अगर कोई क्लास मान लो इसी इम्प्लीमेंटेशन से खुश है या फिर उसको चाहिए ही नहीं है मान लो, तो वो ऐसे कैसे छोड़ सकता है। तो ये थी डिफ़ॉल्ट मेथड की नीड। ठीक है, डिफ़ॉल्ट मेथड्स, ठीक है, वही सब लिखा हुआ है, इंटरफेस डिफ़ॉल्ट मेथड्स आर अवेलेबल टू चाइल्ड क्लासेस, मतलब इंटरफेस के जो डिफ़ॉल्ट मेथड्स होते हैं वो एक्सटेंड हो सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है इसके बाद स्टैटिक मेथड की। देखो स्टैटिक मेथड तुम्हारे ऐसे मेथड होते हैं जो कि तुम्हारे चाइल्ड क्लासेस में, पहली बात तो अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर चाइल्ड क्लासेस में नॉट अवेलेबल टू चाइल्ड, सबसे पहली बात नॉट अवेलेबल टू चाइल्ड। ठीक है,
दूसरी चीज़ ये होती है, वी कैन प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेथड इंटरफेस बट इट कैन नॉट बी ओवर रिडन बाई क्लासेज विच इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस, मीन्स इंटरफेस स्टैटिक मेथड्स वोंट अवेलेबल टू चाइल्ड क्लासेज, वी कैन एक्सेस इट यूजिंग इंटरफेस नेम इटसेल्फ बाय डिफॉल्ट पब्लिक।